दोस्तों हम आ चुके हैं विजयनगरम रेलवे स्टेशन। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से लगभग हावड़ा। आज मैं निकलूँगा सुबह के 10 बजे और मैं पहुँच रहा हूँ टेंटेटिव में। यहाँ से रिप्राज होऊंगा और एरेबल होऊंगा तो रात के 12 बजे होऊंगा। तो ये है आगे का सीन। तो नाउ हम रीच द विजयनगरम। చూస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇంకా 10-15 నిమిషాలు మా ట్రైన్కి వచ్చేస్తుంది. సో మేము వెళ్తున్నాం కోల్కతా. అన్న అన్న రమేష్ వీడియోలో ఉంటాడు. అన్న చూస్తారు వీడియోలో, వీడియోలో చూస్తారు అన్న. మీ అన్న ఏ మాస్క్ తీసు తీసి పెట్టారు జనాలు చూస్తారు మళ్ళీ ఎవరో తెరాలి కదా. तो दोस्तों हम निकल चुके हैं विशाखापट्टनम से विजयनगरम से होते हुए है जा रहे हैं कलकत्ता। अब पहुंच जाएंगे रात के 11 बजे के बाद आगे का देखेंगे और खाना भी सब बुक कर चुके हैं। हमारे आने में आ जाएगा तो खाने की दिक्कत भी नहीं है। हम तो खाली एक छोटा सा बैग लेकर आए थे और छोटा सा कैमरा बस। ना टिकट इच्छी जर्नी शुरू किए थे 31 जुलाई में और 2021 में मेरा जर्नी हुआ था 3 दिन का सफ़र है। मेरा सफ़र होता है विशाखापट्टनम से लेके कोलकाता तक, सिर्फ कोलकाता तक ही है, वेस्ट बंगाल है। मैं भी इसका इस ब्लॉग में कवर कर चुका हूँ, सिर्फ कोलकाता का एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अभी मैं ये दूसरी बार आ चुका हूँ। एक्चुअली मेरा 2006 में कम से कम 16 दूसरा बार आ चुका हूँ। सिर्फ सेकेंड ब्लॉग में अब मैं स्टे 31 जुलाई 2021 एंड टाइम स्टार्ट टेम्परेचर 10:30 PM हावड़ा तिरुचिरापल्ली एक्सप्रेस शुरू हुआ है विजयनगरम से लेके उड़ीसा छत्तीसगढ़ होते हुए वेस्ट बंगाल तक। तो हम आ चुके हैं 10:30 शुरू होके और नेक्स्ट डे नाइट मिडनाइट लगभग रात के 12 बजे आने वाली ट्रेन तिरुचिरापल्ली हावड़ा एक्सप्रेस 2 घंटे देरी से यहाँ पर संतागाछी स्टेशन में रुक गई थी। एक्चुअली मेरा ट्रेन हो रहा है एंडिंग स्टॉप हावड़ा, मगर यहाँ पर दिक्कत आने के लिए फॉर रेवन हैवी रेन, बारिश हैवी होने के लिए यहाँ पर पट्टियों की वाटर फ्लो होने के कारण से यहाँ का हावड़ा का स्टेशन में पानी बनने होने के जो यहाँ का 2 स्टेशन गोरखपुर से जाने वाली तक लगभग 9 ट्रेन सांतागाजी तक रुक गए थे। सो सांतागाजी से हम बस पकड़ के और आ गए हैं हावड़ा। तो ये है ट्रेन सफ़र। अब मेरा ट्रेन तो सफ़र हो गया था सुबह के 10:30 शुरू होकर विजयनगरम से और रात के 12 बजे आने वाली हावड़ा रीच होने वाली ट्रेन लगभग 3 बजे यहाँ पर विशाखा हावड़ा में रीच हो गई थी। तो हम सांतागाजी स्टेशन उतरने के बाद वहाँ से हम ऑटो और बस कोई भी पकड़ सकते हो। बस का फेयर होता है 70 रुपीज़ हो रहा है लगभग मेरे हिसाब से, और टैक्सी का फेयर होता है लगभग 400 रुपये होता है, और बाइक होता है फेयर इसका लगभग 100 रुपये होता है। आप किसी भी आप हावड़ा स्टेशन मेन स्टेशन जंक्शन में आप सिटी पहुँच सकते हैं। द मेन कैपिटल ऑफ द सिटी ऑफ द हावड़ा जंक्शन। अब हावड़ा का स्पेशल होता है हावड़ा का रिवर, हावड़ा का बीच और कलकत्ता का काली माता टेम्पल और यहाँ का विक्टोरिया मेमोरियल महल, आप इसे देख सकते हो। तो हमारा सफ़र है 3 दिन का सफ़र होता है। तो आप यहाँ पर आने के बाद सब सो आप पहले कहाँ पर आ रहे हो, हावड़ा में आना पड़ेगा। हावड़ा आने के बाद
आप हावड़ा का लिए संतरागाजी, संतरागाजी से लेके आप हावड़ा जंक्शन आना पड़ेगा। ये है सिटी का कैपिटल सिटी है हावड़ा, कैपिटल सिटी ऑफ जंक्शन का हावड़ा मेन पॉइंट। अब हावड़ा होने के बाद हम जाना पड़ेगा नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। वेस्ट बंगाल का चार पार्ट होते हैं, चार डिवीजन में बांटा गया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। आप ज़्यादा देख सकते हो हावड़ा के जंक्शन के आगे वाले में हम सफ़र किए थे। लगभग 15 मिनट का रास्ता होता है, लगभग 20 मिनट आप 20 किलोमीटर रास्ता होता है, और टाइम समय होता है आधा घंटे का समय होता है आप सिटी बॉम्ब सांतागाजी से लेके हावड़ा जंक्शन जाने के लिए। सांतागाजी से हावड़ा जाने के लिए लगभग समय होता है हाफ एन आवर एंड ट्रैवल 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर। तो हावड़ा से लेके तो आप हावड़ा जंक्शन आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक रिवर बता रहा है, इसको रिवर बोलते हैं हांगी रिवर, हुंगी रिवर। देखो ये है हुंगी रिवर, ये हुंगी रिवर होता है दो कनेक्टिंग सिटीज़ को संगम होता है, मतलब होता है आपको मिलेंगे वेस्ट साइड आप देख रहे हो हावड़ा, और नॉर्थ साइड साउथ साइड आप देखेंगे कोलकाता। दो सिटीज मिला के बन गया था हावड़ा ब्रिज, कॉल्ड हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज स्टार्ट 1943, आप देख रहे हो हावड़ा ब्रिज, इसका नाम होता है विवेकानंदा सेतु। अब बाली ब्रिज, विवेकानंदा सेतु बाली ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और इसका शुरुआत हुआ था 1943 में शुरुआत हुआ था। सो आप हावड़ा ब्रिज देखने के बाद आप यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हो हुंगी रिवर में, और यहाँ से साउथ और नॉर्थ में पोल में जा सकते हो, देखने के लायक है। साउथ और नॉर्थ पोल में आप जा सकते हो, देखो ये आप देख रहे हैं क्लियर ही साउथ ही, ये पूरा साउथ है। एक पार्ट होता है हावड़ा पार्ट, हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं कोलकाता पार्ट, हम कोलकाता बारे में बोले हैं। कोलकाता में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, नॉर्थ में मिलेगा आप देखेंगे आपको सोनागाजी से भी लोकेशन में आ जाएगा। हावड़ा से लेकर सोनागाजी का लगभग होता है 30 किलोमीटर, और समय होता है 40 और 50 मिनट होता है, ट्रैफिक होने से ज़्यादा समय भी रख सकता है, आसपास 2 घंटे भी रख सकता है। और साउथ में आप देख सकते हो विक्टोरिया मेमोरियल म्यूजियम और कालिका माता टेम्पल भी देख सकते हो, और साइंस सिटी भी कोलकाता देख सकते हो। और विटिया महल का कॉस्ट होता है एंट्री पास मिनिमम कॉस्ट है 20 रुपीस पर हेड, और समय होता है 6 o'clock से ओपन गार्डन, आप गार्डन में का सुविधा देख सकते हो। तो ये है यहाँ का सिटी के बारे में, हम तो देख दी बात। तो आप इसके बाद हमारे रिटर्न ट्रेन होता है रात के 12 बजे हावड़ा से लेके चेन्नई जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हम यहाँ से निकल जाएंगे 12 बजे। अभी मैं स्टे कर रहा हूँ रिटायर रूम IRTC का, इसका लगभग होता है इसका फ्लाइट डॉर्मेट के लिए 600 रुपीज़ होता है, और नॉन AC के लिए लगभग हो सकता है 2000 से लेकर 3000 रुपये जा सकता है कॉस्ट। ओके थैंक यू वॉचिंग।
अभी आ गया है आंध्र प्रदेश का सेकेंड स्टॉप पलासा। सब लोग सो रहे हैं, ये देखो।